सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। जो भी मेरे भाई, जो मेरी बहनें, जो मेरे फ्रेंड्स, जो भी हमारे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे लाइक भेजते हैं, मैं उन सब का बहुत मशहूर हूँ। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि शुरू में मैंने एक वीडियो आपको जो दिखाई है उसमें आपने देखा है किस तरह इंडोनेशिया के अंदर एक मस्जिद में लोग जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं और अपने मोबाइल जो है उन्होंने बिल्कुल पीछे रखे हुए हैं और वो अल्लाह की राह में इबादत कर रहे हैं। उन्होंने किसी किस्म की कोई चोरी इस तरह की मतलब उन्हें टेंशन नहीं है कि हमारे मोबाइल चोरी हो जाएंगे या हमने मतलब कि उनका जो उनका जहन है, उनका दिल है, उनका दिमाग है, वो सब सिर्फ़ अल्लाह की राह में गामजन है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल बेफिक्र है क्योंकि वो आज़ाद कौम है। उसी के मुकाबले में हम अपने मुल्क के बारे में सोचें, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, हमारी सोच किधर जा रही है। हम आए रोज़ लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग जो है चांद पे जा रहे हैं और हम जो है ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। हमारी जो सोच है वो गैर मुनसिफाना सोच है। हम जो है सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि जी हमारे हुक्मरान हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन जैसे हों और अबू बकर सदीक जैसा रहनुमा तो चाहते हैं, लेकिन हमारे ये माल बदयानत, खयानत, चोरी, डाकाजनी, इन चीज़ों पे जब हम इन चीज़ों से आज़ाद नहीं होंगे, जब हमारे अंदर से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगे, तो हम कभी भी एक तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे लोग नहीं बन सकते। दूसरी बात ये है कि आज आप देखें हमारी जो इंडोनेशिया की मस्जिद है वहाँ पर लोग जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं और मोबाइल उन्हें पीछे रखे हुए हैं, और पाकिस्तानी लोग जो हैं वो क्या करते हैं जी मस्जिद के अंदर कूलर के साथ जो पानी का गिलास होता है उसे भी उन्होंने जंजीर के साथ बना हुआ होता है। मुझे बताएं क्या ये आज़ाद कौम की निशानी है? हम तो यकीनन शर्म महसूस होती है कि हम किस मुल्क के अंदर पैदा हो गए। सबसे पहले हमें अपने अंदर की जो बुराइयाँ हैं उन्हें ख़त्म करना होगी। ये वीडियो बताने का आप भाइयों का मकसद ये है कि आप देखें कि लोग किस तरह तरक्की कर रहे हैं, लोगों के अंदर सोच किस तरह की है, लोगों के अमाल किस तरह के हैं, उन्हें अल्लाह पाक किस तरह के इनायत अता कर रहे हैं। हमारे जब तक अमाल दुरुस्त नहीं होंगे, हमारी जो जो हमारी सोच है वो आज़ाद नहीं होगी, हम ग़ुलाम ही रहेंगे और हमेशा ग़ुलामी करते रहेंगे अगर हमने इस तरह अपनी सोच को न बदला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब दूसरी बात सॉरी ये है कि हमेशा हमें ये चाहिए कि हम अपने अल्लाह की ज़ात के आगे ये दुआ करें कि ए अल्लाह पाक हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमा कि जो हमारे लिए हमारे हक हमारी तहलीज पर पहुँचाएँ, हमारे लिए एक आज़ादाना सोच रखें, हमारे लिए एक अच्छे और मुनफरद फैसले करें और हम ताकि हम भी किसी दूसरी कौमों की तरह हमारी भी कोई पहचान बन सके। शुक्रिया।